फिर भी आप कुछ करते नहीं है। देखिए महाराज, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना आपके कुल का यह पुत्र दुर्योधन आपके पूरे कुल को नष्ट करवा देगा। मेरी बात मानिए, नीति ये कहती है कि हाथ की एक उंगली यदि सड़ जाए और उसको काट देने से पूरा हाथ बच रहा हो तो बचा लेने वाला समझदार होता है। परिवार के एक सदस्य को निकाल देने से हमारे कुल की प्रतिष्ठा बच रही हो तो उसको निकाल देने में कोई दोष नहीं है। पीछे खड़ा दुर्योधन सुन रहा था, वाह काका जी, मेरे घर में रहते हो, मेरा ही खाते हो और मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, जाना मुझे नहीं पड़ेगा काका जी, तुम्हें निकलना पड़ेगा। सैनिकों को कह दिया कि ऐसे कायर काका की मुझे आवश्यकता नहीं, धक्के मारकर इसको बाहर कर दो, मेरे घर में रहता और गुणगान पांडवों का कर रहा। विदुर ने कहा, ठहरो दुर्योधन, तुम्हें निकालने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वतः जा रहा हूं। और चलते चलते विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र भी त्याग दिया। संत हैं विदुर, ध्यान देना। विदुर ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें बचपन से इस गोद में खिलाते हुए बड़ा किया, तुम्हारी उंगली पकड़कर मैंने तुमको चलना सिखाया, मैं तुम्हारे साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसकी मंजिल युद्ध है, और भगवान न करे कभी युद्ध हो जाए तो दुर्योधन ये मत समझना कि मैं पांडवों के पक्ष से लड़ूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर जा रहा हूं, न तुम्हारे पक्ष में लड़ूंगा न पांडवों के पक्ष में लड़ूंगा, छोड़ करके। आंख में अश्रु भी हैं और प्रसन्नता भी है, अश्रु इसलिए हैं, पद छोड़ने के लिए दुख नहीं है, अश्रु इसलिए है संतत्वत हृदय के कारण कि मैंने जिस बच्चे को पाल कर बड़ा किया मेरे आंखों के सामने उसका पतन हो जाएगा, इस करुणा के कारण आंख में अश्रु। संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि चलो जिस झंझट में मैं फंसा था अब उससे मुक्त हो गया। फिर ऐसी कथा है कि बाहर आए, द्वारिकाधीश के आने का समाचार मिला, बड़े खुश हुए और द्वारिकाधीश को अपने घर निमंत्रित किया है, प्रभु पधारे हैं वहां, दुनिया को दिखाया, भगवान ने मानो दुनिया को बताया कि प्यारे मैं तुम्हारी धन संपदा नहीं देखता, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को नहीं देखता, तुम्हारे रूप यौवन को नहीं देखता, मैं तो भाव का भूखा। दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के व्यंजन त्याग कर प्रभु ने विदुर काका के यहां केले के छिलके का ही भोग लगाया। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रयच्छति, भगवान ने दुनिया को बताया कि मैं किसी के संपत्ति प्रतिष्ठा रूप युवानी घर मकान नहीं देखता, मैं तो भाव देखता हूं। और भगवान राम ने भी शबरी को मानस में कहा ना, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, 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 मानो एक भगति करना भगति करना ता, मानो एक करना ता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना ता, मानो एक भगति करना ता। भगवान ने कहा कि शबरी मैं यदि किसी को मानता हूं तो उसकी भक्ति के कारण, मैं व्यक्ति की संपदा नहीं देखता, मकान धन दौलत नहीं देखता, केवल प्रेम और भाव का भूखा हूं मैं।
भगवान प्रेम और भाव के अधीन है। बाद में जब विदुर जी को वो घर छोड़कर जाना पड़ा, विदुर की आंख में अश्रु थे। इसलिए नहीं कि घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए उस घर से गोविंद की याद जुड़ी थी। कन्हैया इस घर में पधरावण किए थे, कन्हैया के चरण इस घर में पड़े थे, अब छोड़कर जाना पड़ रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। चले हैं छोड़कर विदुर जी तीर्थ यात्रा पर, और तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी से मुलाकात हुई, और उद्धव ने विदुर जी को बता दिया कि प्रभु स्वधाम वापस जा चुके हैं। चलते चलते मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन प्रभु ने उपदेश दिया, इस कारण हर जगह मुझे उनका दीदार होता है और मैं प्रसन्न हूं। विदुर जी ने कहा कि महाराज, तो हमें भी ऐसा उपदेश दीजिए ना, हम भी गोविंद का हर जगह अनुभव कर पाए, महसूस कर पाए गोविंद को। तो कहा कि ये अधिकार प्रभु ने मुझे नहीं दिया है, मेरे सामने मैत्रेय मुनि को प्रभु ने कहा था कि मेरा विदुर कहीं मिले ना तो तुम उसको धर्मोपदेश देना, तो आप मैत्रेय मुनि के पास पधारिए। और विदुर जी हरिद्वार आते हैं मैत्रेय मुनि के पास, बैठे हैं मैत्रेय मुनि, और वहां विदुर जी जब प्रवेश करते हैं आश्रम में, तो विदुर जी को देख करके मैत्रेय मुनि की सरलता देखो, अपने आसन को छोड़कर खड़े हुए, और विदुर जी ने जब साष्टांग प्रणाम किया तो विदुर को उठा करके मैत्रेय मुनि ने अपने अंक में भर लिया। द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरुणा मैत्रेयमासीन मगाध बोधम। जैसे ही विदुर जी ने प्रणाम किया, उठा करके अपने अंक में भर लिया, आदर से बिठाया विदुर जी को, और तब विदुर जी ने कुछ प्रश्न किए हैं, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर से ये संवाद आरंभ हुआ। बड़ा प्यारा प्रश्न किया, ध्यान देना, हमारा आपका भी प्रश्न हो सकता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपार मम वा विन्देत भूयस्ततयैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपार मम वा। महाराज, एक बात मुझे समझ नहीं आती, जीव इस संसार में सुख की अपेक्षा से कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए कर्म थोड़ी करता है, हर व्यक्ति इसलिए कर्म करता है कि मुझे सुख मिले, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है, बदले में दुख मिल जाता है। ऐसा क्यों? ये संसार उल्टा परिणाम क्यों देता है? महाराज, जो सुखी होना चाहता है वो दुखी हो जाता है, जो हंसना चाहता है वो रोने लग जाता है। ये संसार की उल्टी रीति क्यों है? बहुत ध्यान देना, हम सबके भी ये प्रश्न हो सकते हैं। कई बार हमको भी ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से चलते हैं, सत्यता से चलते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, और दूसरा बेईमानी करके शॉर्टकट मार लेता है, फिर भी मौज कर रहा है। तो कभी कभी अपने को भी शंका होती है कि उसके यहां भी अंधेर चल रहा है क्या, वहां भी सब गड़बड़ी? नहीं, इसी प्रश्न का उत्तर है, ध्यान देना। जीव इस संसार में आता है अपने प्रारब्ध भोगने के लिए। यदि आपके प्रारब्ध में मिठाई खाना नहीं लिखा है ना, तो आप नहीं खा सकते हो, भले ही आपके पास पैसे बहुत हो, प्रारब्ध में मिठाई खाना नहीं लिखा है तो आप नहीं खा पाओगे। पैसे तो बहुत हैं, लेकिन शुगर, डॉक्टर ने मना कर दिया कि खाना तो दूर, छूना भी मत, तुम मरोगे वरना। सामने मिठाई की पैकेट है, हम देख रहे हैं, लेकिन छू भी नहीं सकते। अब ये प्रारब्ध नहीं तो और क्या है? हाँ, रसगुल्ला सामने है, मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन घर वाली गुस्सा होगी, उस डर के मारे छू भी नहीं पाते, नहीं खा पाते। पैसा है, सब कुछ है,
लेकिन प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो नहीं खा पाते। और प्रारब्ध बनता है हमारे सिंचित कर्मों से, जो हमने कर्म किए हैं ना। देखो कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, अग्नि में हाथ डाला जल गए तुरंत फल मिला, प्यास लगी हो और आपने गिलास से पानी उठाकर मुंह में डाला प्यास बुझ गई तुरंत फल मिल गया। हाँ, किसी को गाली दिया थप्पड़ लगा दिया तुरंत निपटारा। कुछ कर्म ऐसे हैं थोड़े समय के बाद फल देते हैं। आपने आम का पौधा लगाया, धीरे 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 वृक्ष बना, फल हुए, बाद में आपको फल मिला। किसान लोग जब खेती करते हैं तो तुरंत कहां सब पैदावार हो जाती, धीरे 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 उसकी सेवा करते करते 2-3-4 महीने में वो फसलें तैयार होती हैं, तब फल प्राप्त होता है। और कुछ कर्म ऐसे हैं इस जन्म में फल देते ही नहीं है, आने वाले जन्मों में, और आने वाले किस जन्म में फल मिले ये निश्चित नहीं है, लेकिन फल मिलता जरूर है। आपने कोई भी कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा जरूर, ये पक्का। ये मत सोचना कि हमारे कर्मों का फल नहीं मिला, कर्मों का फल मिलता ही है प्यारे, कर्म किए हो। और मजे की बात यह कि आपने यदि किया है तो उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को नहीं और आपके पड़ोसी को भी नहीं, कर्म का फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं अभिलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं अभिपद्यते। हमें जो भी सुख दुख हानि लाभ प्राप्त होते हैं हमारे अपने ही कर्मों के द्वारा, हमारे ही अपने कर्मों के कारण। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, बुरे कर्म मत करो। भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है आपको, मानव तन दिया है, हाँ, अच्छा हाथ पैर बुद्धि शरीर सब कुछ दिया है, अच्छा बिजनेस दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तो ये कृपा उसकी आगे भी बनी रहे, इसलिए सावधान रहना। हाँ, कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा हाथ पैर सलामत रहे बस यही हमारा भगवान है। हाँ, हाथ पैर यदि तुम्हारे भगवान है तो हाथ पैर देने वाला भी तो ईश्वर ही है ना। कई बार पैरालिसिस हो जाता है तो भगवान कहां चले जाते हैं। हाँ, एक तरफ का अंग काम करना बंद कर देता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। ऐसी घटनाएं घटे उसके पहले हमको सावधान हो जाना चाहिए, अच्छा कर्म करो। करनेक अमल और हरि को सुमर। सुख दुख जो भी हमको प्राप्त हो रहा है मेरे भाई बहन हमारे कर्मों के द्वारा, शास्त्र ने जिस कर्म को निषेध किया है ऐसा कर्म कभी मत करो, और ऋषियों ने जिस कर्म को करने का आदेश दिया है ऐसे ही कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे सुखी रहोगे और आने वाले हर जन्म में सुखी रहोगे। इस जन्म में यदि तुमको किसी दुख का सामना करना पड़ रहा है और आपने सोचा कि इस जन्म में मैंने ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया है तो हो सकता है आपके पिछले जन्मों का यह फल हो, तो अगले भी जन्म में अभी भी अवसर है मेरे भाई बहन। पिछले जन्म में जो आपने किया था इस जन्म में आप आनंदित हो, हाँ, तो अगले जन्म में भी कृपा बनी रहे प्यारे, उसके लिए अभी से तो सावधान हो जाओ। आप देखो एक बच्चा वो भी जन्म लेता है जहां जन्म से पहले सोने के चम्मच तैयार होते हैं दूध पिलाने के लिए, और एक वो भी बालक है जो टूटी झोपड़ी में जन्म लेता है जहां बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, हाँ, एक पात्र की भी व्यवस्था नहीं, उस घर में भी एक बालक आ रहा है। अभी तो दोनों ने कर्म नहीं किया ना कोई, लेकिन पहले ऐसे कर्म करके आ रहे हैं, एक महल में आ रहा है और एक झोपड़े में आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे पिछले जन्मों का कर्म हमारे साथ चलता है मेरे भाई बहन, इसलिए सावधान। करने को अमल और हरि को सुमर, उत्पात न कर उत्पात न कर उत्पात न कर उत्पात न कर। करने अमल और हरि को सुमर, करने एक अमल और हरि को सुमर, उत्पात
उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, 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 बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद, ये दुख जो तुमको मिलता है, ये दुख जो तुमको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है, निज कर्म का हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे सुख दुख सब कर्मों के फल है। इसलिए दुखी होकर के कवि कहता है कि अब भगवान के दरबार में रोने से कोई फायदा नहीं, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, कर नेक अमल और हरि को सुमर, कर नेक अमल और हरि को सुमर, भगवान का स्मरण करो, शुभ कर्म करो, न जाने किस कर्म का फल हमें भुगतना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम वा न दुपारमम वा, इसका बहुत प्यारा उत्तर दिया विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने। आगे विदुर जी ने प्रश्न किया दुनिया के सृष्टि के विषय में, तो वह कथा भी विस्तार से पुनः बताई। सबसे पहले भगवान नारायण और नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनकादिक ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ऋषियों ने सृष्टि करने से मना किया तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और क्रोध के कारण ब्रह्मा की आंख से एक बालक प्रकट हुआ, नाम है रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की, रोते रोते प्रकट हुआ, इसलिए नाम हुआ रुद्र। ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि का आदेश दिया, तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसी सृष्टि करने लगे ब्रह्मा जी घबरा गए, किसी को चार भुजा बना दी, किसी को एक हाथ ही बनाया, किसी को दस पैर बना दिया, किसी को आंख ही नहीं बनाई। ब्रह्मा ने कहा बस हाँ तुम रहने दो, तुम तो भूतों से ही भर दोगे दुनिया को। अब की बार 10 ऋषियों को प्रकट किया, फिर एक कन्या को भी जन्म दिया, नाम है सरस्वती माता। बाद में ब्रह्मा के ही शरीर से दो भाग हुए, मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ, और मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आदेश किया मैथुनी सृष्टि का विस्तार करने के लिए। तब मनु महाराज ने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि पितामह हम सृष्टि करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा परिवार रहेगा कहाँ, क्योंकि धरती तो जल में डूबी। तब उस वक्त ऐसी कथा है कि ब्रह्मा को छींक आई, वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ और उन्होंने धरती को जल से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष विरोध करने आया है और उस वक्त भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। यह दोनों भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं, जय और विजय। इन्हीं दोनों को सनत कुमारों का श्राप लगा था और यही दोनों कश्यप और दिति माता के पुत्र बनकर आए थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। धरती को भगवान बाहर रख करके गए और इस धरती पर मनु और शत्रुपा का दिव्य दाम्पत्य आरंभ हुआ। सबसे पहले 3 कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया, आकुति, देहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं।
उत्तानपाद और प्रियव्रत, यह दो पुत्र हैं। मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि अभी बहुत लंबी यात्रा है, तीसरा स्कंद चल रहा है और कन्हैया आए हैं दसवें स्कंद में, तो इसलिए जरा अब फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, अब ये पैसेंजर से काम नहीं चलेगा। केवल स्पर्श करते हुए स्कंदों का हम आगे बढ़ेंगे। तो मनु महाराज की पांच संतानें हैं, तीन पुत्रियां और दो पुत्र। सबसे बड़ी जो बेटी हैं आकुति, फिर देवहूति और तीसरी बेटी प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके यहां स्वयं परमात्मा पुत्र के रूप में पधारे, कपिल देव के रूप में, और अपनी माता को उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का प्रचार किया और धर्म उपदेश दे करके भगवान पधारे हैं। और तब एक दिन भगवान का ध्यान करते हुए मां का शरीर जल बन करके बह गया और इस स्थान का नाम पड़ा सिद्धपुर, जो कि आपके गुजरात में है। माता का श्राद्ध यहां माना जाता है, तभी मां मुक्त हो जाती है। सबसे बड़ी बेटी आकुति माता का ब्याह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहां भी परमात्मा ने कृपा किया, पुत्र के रूप में पधारे, यज्ञ नारायण का रूप लेकर। यज्ञ नारायण का रूप लेकर आए और जिनका ब्याह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ, और तोष प्रदोष भद्र शांति संतोष इत्यादि 12 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मतलब ये हुआ कि हम यज्ञ नारायण को जब अपनी दक्षिणा अर्पित करते हैं तब हमें संतोष प्रदोष शांति इत्यादि रत्नों की प्राप्ति होती है। बहुत ध्यान देना, अभी अभी गुरुदेव कह रहे थे ना कि यज्ञ में दान देने का बड़ा महत्व है। दक्षिणा भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी, जब हम दक्षिणा भगवान को अर्पित करते हैं तब हमें संतोष शांति इत्यादि रत्नों की प्राप्ति होती है। मतलब त्याग से शांति है, हाँ, संचय से शांति नहीं। आप जितना इकट्ठा करते हो ना उतने अशांत होते चले जाते हो, और जितना त्याग करते हो उतने शांत उतने आनंदित होते हो। ये बात यदि समझनी है तो कभी आप ध्यान देना, रात्रि के समय जब आप बिस्तर पर सोने जाते हो, दिन भर आप कितने कपड़े पहने होते हैं, हाँ, पूरे सूट बूट्स में टाई भी होती है, कोट भी होती है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन जो कपड़े पहनकर आप संसार में घूम रहे हो वो कपड़े पहनकर आप सो नहीं पाते हो। सोने के लिए, रिलैक्स होने के लिए सब उतार देते हो, हल्का होना चाहिए। जितने ज्यादा कपड़े होंगे आप उतने ही अनिद्रा के दर्दी हो जाएंगे। सोने के लिए बिल्कुल आप चाहते हो कि सब उतार दो, बिल्कुल हल्के। जब शरीर की शांति के लिए सब वजन आप निकाल देना चाहते हो तो आत्मा की शांति के लिए भी मेरे भाई बहन जितना त्याग करोगे उतना ही ज्यादा आप शांत होगे। ये शास्त्र सम्मत बात है। सबसे छोटी जो बेटी है माता प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और वहां पुत्री के रूप में स्वयं जगदम्बा पधारी सती माता, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। और भगवान शंकर एक बार जब सती का त्याग कर दिए थे और सती अपने पिता के यहां जाकर भस्म हो गई थी, तो दक्ष के साथ भगवान शंकर की जो लड़ाई हुई वो कथा बड़े विस्तार से रामायण में और भागवत में भी आती है। अब बारी है उनके पुत्रों का वंश वर्णन। सबसे बड़े जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। देखो हर जीव की दो मानसिकता होती है, एक शास्त्र की नीति और एक स्वरुचि। और बहुत ध्यान देना, भागवत के माध्यम से मैं आपको निवेदन करूं, हमें अपने रुचि पर नहीं चलना चाहिए, शास्त्र की नीति पर चलना चाहिए। जब जीव अपनी रुचि पर चलता है तो सिवाय अंधेरे के उसको कुछ नहीं मिलता, और जब जीव शास्त्र की नीति पर चलता है तो उसको सत्यलोक की प्राप्ति होती, यानी ध्रुव की प्राप्ति होती। माता सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज का प्राकट्य हुआ और ध्रुव ने मात्र 6 महीने की तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न किया।
और ध्रुव महाराज का भी वंश वर्णन किया। एक एक से प्रतापी और भक्त राजा हुए इनके वंश में, और अंत में मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद के साथ ही चतुर्थ स्कंद को भी यहां पर विराम किया। पांचवा स्कंद प्रियव्रत महाराज का चरित्र। देखो मनु महाराज की हर संतानों को देखना, कितना संस्कारित परिवार है। प्रियव्रत महाराज ब्याह नहीं करना चाहते थे, उनको लगा कि ये झंझट है, ये जाल है, इसमें फंसना ठीक नहीं। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने आकर उनको बहुत प्यारी बात कही कि देखो बेटे, न पत्नी किसी को बांधती है, न पुत्र पुत्रियां किसी को बांधती। आदमी बंधता है अपनी आसक्ति के कारण। ये मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, हमारा मन बंधन और मुक्ति का कारण है। बहुत ध्यान देना, लोग कहते ना कि ऐसा फंसा हूं क्या बताऊं, निकल ही नहीं पा रहा हूं। तुमको किसी ने फंसाया नहीं है, तुम खुद ही फंसे हो। जो मदारी बंदर पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि छोटे मुंह का घड़ा धरती के अंदर दबा देते हैं और उसमें कुछ अनाज डाल देते हैं, और बंदर घड़े में हाथ डालता है, अनाज को पकड़ता है, मुट्ठी बन जाती है, अब हाथ निकलता नहीं, फंस जाता है। और बंदर छटपटाता है, चिल्लाता है, उसको लगता है कि किसी ने मेरा हाथ अंदर पकड़ लिया, अनाज छोड़ता नहीं है और वहीं फंसा रह जाता है। ठीक वही सी स्थिति हम सब की, हम भी बंधे हैं अपनी आसक्ति के ही कारण, और काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम भी बंधे हैं स्वयं अपनी आसक्ति के कारण और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि भाई हमारी क्या गलती, भगवान ने फंसा रखा है। हाँ, प्रियव्रत महाराज ने भी ब्याह किया और इनके ही वंश में आगे चल करके ऋषभदेव भगवान का प्रागट्य हुआ। परमहंस का धर्म क्या है वह दुनिया को बताया, और जड़ भरत जी का चरित्र गाते हुए ज्ञानोपदेश देते हुए, और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है, और पंचम स्कंद को भी विराम किया। छठवें स्कंद में नरकों से बचने का उपाय बताया। यदि आपने हर पाप कर लिया है, भूल से हर तरह की गलतियां आपने कर ली हैं, और अब यदि आप चाहते हो कि मुझे नरकों में न जाना पड़े, तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करो। कर्मणा कर्म निरहारौ न ह्यात्यन्तिकयिष्यते अविद्यदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज प्रायश्चित कैसे करें, तो बताया तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा या उपासना के द्वारा, अथवा तो शुकाचार्य ने कहा कि राजन सबसे बड़ी जो प्रायश्चित की बात है वो ये है कि अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप करो, आगे न करने का संकल्प ले लो, और हृदय से यदि एक बार भी तुमने गोविंद का नाम ले लिया न राजन, तो तुम्हें स्वप्न में भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों का मत है। केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमीरी सुमीरी कल करम न भगति विवेको, नहीं कल करम। सब गाइए प्यार और भाव से। राम नाम अवलंब नये को, राम नाम अवलंब नये को, नहीं कल करम न भगति।
अति विवेक नहीं कल करम। कलयुग में केवल नाम की महिमा। सकृन मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद गुणराग यैरिह नते यमं पाशभृतस्य तद भटान स्वप्ने पश्यन्ति हि चिरन निष्कृताः। एक कथा सुनाई अजामिल की। अजामिल बड़ा पाप करने वाला था, लेकिन एक काम उसने जीवन में बढ़िया किया, अपने छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। बस यहीं से उसके जीवन की एक नई मोड़ आई, और इसी बहाने वो कई बार नारायण का नाम लेता। स्कूल से पढ़कर आता तो नारायण आज क्या पढ़ाई किया तुमने, खेल करके आता तो बेटे नारायण चलो खाना खाओ। कई बार नारायण का नाम लेता, और अंतकाल जब आया यमदूत लेने आए तब भी नारायण को पुकारा, और तब उस वक्त भगवान स्वयं नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, और भगवान के पार्षद नरक में जाने से उसको बचा लिया। यह है नाम की महिमा। हाँ, और कैसे भी लो भाई ध्यान देना, भाय कुभाय अनख आलस हूं, कैसे भी नाम लो मंगलकारी है। अब अमृत है ना, उसको आप चांदी के पात्र में डालकर पियो या मिट्टी के पात्र में डालकर पियो, अमृत तो तुम्हें अमर करेगा ही। हाँ, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पात्र में पिए हो, अमृत है तो अमर करेगा ही। भगवान का नाम भले ही आपने किसी वस्तु को रख दिया या व्यक्ति का रख दिया, भगवान का नाम यदि है तो वह आपको धन्य करेगा ही, कैसे भी नाम लिया जाए। भाय कुभाय अनख आलस हूं। और फिर दक्ष महाराज के पुनर्जन्म की कथा सुनाई। दक्ष महाराज के द्वारा 10,000 पुत्रों के जन्म की कथा, फिर 1,000 पुत्रों के जन्म की कथा, और उसके बाद 60 कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई, और इन्हीं 60 कन्याओं के द्वारा ही दुनिया की सारी सृष्टि भर गई। वृत्रासुर की कथा सुनाई, और अंत में पुंसवन व्रत की विधि बताते हुए छठवें स्कंद को विराम किया। सातवें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया, दुनिया को बताया कि परमात्मा अपने भक्त की रक्षा के लिए कोई भी रूप लेकर और कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि राम ही सेवक परम प्यारा। बाबा तुलसी ने मानस में कहा, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम यारा, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो गरई। भगवान का अपराध कर दोगे मेरे भाई बहन, भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध भगवान को सहन नहीं होता। प्रहलाद पर जब बहुत अत्याचार किया है हिरण्यकश्यप ने, भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए हैं, हिरण्याक्ष का नाश पहले किया, हिरण्यकश्यप का नाश किया, प्रहलाद को बचाया, और फिर अंत में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए भगवान के माध्यम से ही सप्तम स्कंद को भी विराम किया। आठवां स्कंद मन्वंतरों की लीला है। देखो 60 सेकंड का एक मिनट होता है, 60 मिनट का एक घंटा माना गया, 3 घंटे का एक प्रहर और 4 प्रहर का एक दिन और एक रात्रि, इस तरह से 24 घंटे का एक दिन होता है ना, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 3 ऋतु का एक अयन होता है,
और दो अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है, 12,96,000 वर्ष त्रेतायुग की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु मानी गई। जब ये चारों युग एक बार बीतते हैं तो इसको कहते हैं एक चतुर्युगी, और 71 चतुर्युगी का 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, गणेश बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं, और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक कल्प की एक रात्रि होती है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं तो भगवान का उतनी देर में एक पलक झपकता है, निमिष मात्र। बहुत लंबी चौड़ी गिनती हो गई। हाँ, तो हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। अलग अलग मनवंतरों की कथा सुनाई है। एक मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र के ऊपर कृपा की, वो कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान का वैकुंठनाथ पधारे और उन्होंने वैकुंठ का निर्माण किया, वह कथा सुनाई। और एक मनवंतर में भगवान स्वयं मोहिनी बनकर आए, देवताओं के ऊपर कृपा की और दैत्यों के साथ छल किया समुद्र मंथन के समय, वह कथा सुनाई। और अंत में मत्स्यावतार की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को विराम किया। और अब नवा स्कंद, मैं बहुत संक्षेप में चल रहा हूं। अभी सानंद से मथुरा बहुत दूर है, कन्हैया आने वाले हैं मथुरा में। हाँ, हम लोग तो वहां से लेकर आएंगे सानंद, वो बात अलग है, तो बहुत तेजी से यात्रा करनी पड़ेगी। नवें स्कंद में भगवान राम का प्राकट्य हुआ और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण आए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, कृष्ण को समझना है तो पहले राम को समझना जरूरी। राम की मर्यादा कृष्ण के समझने के लिए बड़ी सहायक होगी, क्योंकि कृष्ण की लीला बहुत मर्यादित नहीं है। इसलिए कृष्ण को जानना है ना तो पहले राम जी की मर्यादा को जान लो, तब कृष्ण को समझने में सरलता हो जाएगी। प्रश्न किया है सूर्य और चंद्र वंश के विषय में, तो उत्तर दिया और उसी उत्तर से राम जन्म की ओर कथा बढ़ी है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए मनु महाराज, और मनु महाराज के पुत्र हुए आगे चल करके विकुक्षी, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, जिनका सत्य पूरी दुनिया को पता। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए ब्रिक, और ब्रिक के पुत्र हुए बरुक, बरुक के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, जिनके पुत्रों का नाश भगवान कपिल ने किया था। और सगर महाराज के वंश में आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने धरती पर गंगा मैया को ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया और हम भारतवासियों के ऊपर कृपा की, वो भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज के वंश में आगे चल करके खटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घवाहु, प्रतिश्रवा, रघु, और उनके वंश में अज महाराज हुए, और अज के पुत्र हुए महाराज अवधेश, दशरथ जी, और दशरथ जी के ही यहां आने वाले हैं भगवान राम। अवधपुरी रघुकुल मनीरा, अवधपुरी रघु, अब राम जन्म की ओर हम आगे बढ़े, इसके पहले जरा हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। बहुत सारे नाम हमारे पास आ चुके हैं जो आज अभी अभी कथा श्रवण करते हुए आनंदित हो रहे हैं और मानव सेवा का संकल्प लिया है जिन लोगों ने, उनके पवित्र नामों की हम घोषणाएं सुन लें, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नाम हमारे पास ही हैं,
बाहर की नामों की घोषणा करूं उसके पहले मैं शुरुआत आपके सानंद से कर देता हूं। आपके सानंद से ही कनुभाई अमर सिंह सिसोदिया के पुत्र प्रदीप सिंह, आपने 2,51,000 रुपए इस कथा में अर्पित किया है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। प्रदीप भाई आप मंच की ओर आने का प्रयास करेंगे। और हेमू भाई जी का नाम मैंने कर लिया था, हेमू भाई खोड़ा भाई, इन्होंने 2,51,000 रुपए कथा में अर्पित किए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। हुका गांव से पधारे हुए श्री प्रेम जी भाई आत्माराम मेहरा, इन्होंने 1,11,111 रुपए इस संस्था को अर्पित किए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। और श्रीमती अलका बहन पटेल अमेरिका से आपने 51,000 रुपए इन बच्चों की सेवा में अर्पित किया है, अलका बहन आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। और हमारे बड़ौदा से पधारे हुए हैं, जिन्होंने अभी बड़ौदा में कथा का भी आयोजन रखा था, हमारे किशन भाई और दिव्या बहन, आपने 21,000 रुपए अर्पित करके एक बेटी के लिए कन्यादान की व्यवस्था की, बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। प्रफुल्ल भाई जेवान, आप भी बड़ौदा से हैं और आपने 11,000 रुपए अर्पित करके दो बच्चों की शिक्षा में सहयोग दिया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। और यहां इंदिरा बहन पधारी हुई हैं यूएसए से, जो अमेरिका का सेवा कार्य संभाल रही हैं, इनके माध्यम से कुछ नाम आए हैं। जयश्री बहन न्यूयॉर्क से, आपने $201 बच्चों की सेवा में अर्पित की है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। श्री गुणवंती कौशिक इंदिरा शाह और उनकी पूरी फैमिली की ओर से $151 अर्पित किए गए हैं ट्रस्ट में, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। श्री कीर्ति वक्ता जी, आप लॉस एंजलिस से हैं, आपने $501 अर्पित किया है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। श्रीमती माया शर्मा एटलांटा जॉर्जिया से हैं, आपने भी $501 बच्चों की सेवा में अर्पित किया है, आपको शुभ आशीर्वाद और मंगल कामना। चंद्रकांता वाली लॉस एंजलिस अमेरिका से हैं, आपने भी $5,101 रुपए अर्पित किए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुषमा परेश पटेल न्यूजर्सी से, आपने भी $501 अर्पित किया है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। मीनाक्षी बहन शैलेश पटेल, आप न्यूजर्सी से हैं, आपने भी $201 उन बच्चों की सेवा में अर्पित किए हैं, आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। कुछ नाम और हैं, लक्ष्मी नारायण जी आपको संबोधित करेंगे और उन नामों की जाहिरात करेंगे। उसके पहले मैं आपको भी प्रार्थना कर दूं कि आज कन्हैया आने वाला है तो उसकी न्यौछावरी के रूप में जो लोग भी टेलीविजन पर भी कथा सुन रहे हैं अथवा तो यहां बैठे हैं और सानंद में भी अपने घरों में भी जो सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं प्रार्थना करूं कि आप सब लोग लाला के बधाई में यदि उन बच्चों की सेवा में अर्पित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य सदगुरुदेव पूज्य बापू जी के श्री चरणों में सत्संग नमन। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस की कथा में कुछ श्रद्धालुओं ने उन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों हेतु कुछ सहयोग राशि अर्पण करी है, उनके शुभ नामों का मैं यहाँ से जाहिरात कर देता हूँ। सबसे पहले यहीं से आयुष रमावैन पटेल अहमदाबाद से हैं, आपने 11,000 रुपए की राशि सहयोग विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को करी है। कृपया आप अगर यहाँ पर हैं तो आप यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापू जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां। श्रीमती चंद्राबाई वैन चुरकर नागपुर, दत्ता प्रेय वैन चुरकर के प्रथम पुण्य तिथि व बच्चों की शिक्षा हेतु 10,000 रुपए इन्होंने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। श्री शोभा शुक्ला ग्वालियर से, आपने एक बच्चे के एक वर्ष की शिक्षा हेतु 5,000 रुपए अर्पण किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हिना शर्मा पिता दादा दादी की याद में गांधीनगर से नई दिल्ली से इन्होंने 5051 रुपए अर्पित किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिताली दत्ता कलकत्ता में आप विराजते हैं, आपने एक बच्चे की एक वर्ष की शिक्षा हेतु 5100 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पण किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा बहन जयंती लाल मेहता अहमदाबाद में आप विराजते हैं, आपने एक बच्चे की शिक्षा हेतु 5100 रुपए अर्पण किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर यहाँ पांडाल में विराजित हैं तो यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। नानी बहन भरत भाई अहमदाबाद से, आपने 11000 रुपए दो बच्चों की एक वर्ष की शिक्षा हेतु विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आए तो आप अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो आप यथाशीघ्र स्टेज पर आए और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बहराज बहन सानंद से, आपने भी 11000 रुपए आपने अर्पित किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला व हर्षद व धीरज एवं भरत सी, कातराजन जडेजा, बाजूबंद व 51 जोड़ी रिंग आपने अर्पित किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैराज भाई भूरा भाई चागोदार, इन्होंने 11000 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी के सम्मान में आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। लाभ शुभ महिला मंडल सानंद से, आपने 11111 रुपए अर्पित किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर यहां पर विराजमान हैं यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उषा रानी सिन्हा मुजफ्फरपुर से, आपने एक बच्चे की एक वर्ष की शिक्षा हेतु 5100 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग राशि दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती महिला मंडल सानंद से, आपने 11101 रुपए आपने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूरी देवी रांची झारखंड से, आपने एक बच्चे की एक वर्ष की शिक्षा हेतु दान सहयोग राशि दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरला अग्रवाल मुजफ्फरनगर से, आपने 11000 रुपए दो बच्चों की एक वर्ष की शिक्षा हेतु दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी नागपुर से, आपने एक बच्चे की शिक्षा हेतु 5000 रुपए दिए हैं। त्रिलोक चंद्र चंडीगढ़ से, आपने एक बच्चे की शिक्षा हेतु 5100 रुपए। निर्मल चंदेल दिल्ली से, आपने 5100 रुपए। अशोक शुक्ला ग्वालियर से 5000 रुपए। प्रवीण कुमार नटवरलाल सोमनाथ मंदिर से, आपने 5100 रुपए। लक्ष्मी देवी जमशेदपुर से 501 रुपए। के सक्सेना शाहजहांपुर से 5100 रुपए। देवेंद्र प्रसाद वशिष्ठ भरतपुर से 5100 रुपए। आर्यस सतीजा दिल्ली से 21000 रुपए आपने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए हैं, आप सभी का विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू भाई पंडित 5000 रुपए आपने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए हैं, आप अगर यहां पर हैं यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जगदीश प्रसाद शुक्ला गोरखपुर से, आपने एक बच्चे की शिक्षा हेतु 5100 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत। वीरेंद्र नाथ मुखर्जी वेस्ट बंगाल में आप विराजते हैं, आपने 21000 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखर्जी के लिए कृपया जोरदार तालियां। केसर सिंह नैनीताल से, आपने एक बच्चे की एक वर्ष की शिक्षा हेतु 5000 रुपए सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनसुख भाई पोचा भाई ठक्कर सानंद, बंसारी प्रभात सिंह सानंद, चालू भाई अमर सिंह चावड़ा चामोदर, विनोद कुमार पाल गोमती नगर, बेनू भाई अमर सिंह
जागोदर, मगन भाई जाधव जी पटेल भीमसाड़ा, आप सभी ने बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी सुचंद गिरी उज्जैन से, अनिल अग्रवाल बुलंदशहर से, गुप्तदान बठिंडा पंजाब से, रीना यादव अहमदाबाद से, देवव्रता जाना कलकत्ता से, आशीष कसेरा मिर्जापुर से, छोटे बच्चों ने बच्चों की शिक्षा हेतु कड़ी गांव से सहयोग दिया है, आप सभी बच्चों का एवं सभी सहयोग देने वाले सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर कालोजी सानंद से, गीताबेन सानंद से, भानु भा खोडू भा झाला, हेमलताबेन जयंतीलाल पटेल लोखंडवाला, श्री प्रकाश जी राजस्थान से, आप सभी ने बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किया है, आप सभी का विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत व बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी दानी सज्जनों को, जिन श्रोताओं को विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में किसी प्रकार का दान सहयोग देना है, वो कृपया टीवी के नीचे पट्टी चल रही है उस पे हमारे ट्रस्ट के नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें आप फोन कॉल करके आप तुरंत अपनी दान राशि रिखवा सकते हैं, उनका हम कुछ ही देर में इसी मंच से जाहिरात कर देंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए अब चलते हैं कथा की ओर। पूज्य बापूजी बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जिन जिन दानी सज्जनों ने आज लाला के प्राकट्य उत्सव पर अपनी सेवाएं अर्पित की हैं, आज कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उन सभी को, भले ही जो बाहर से कथा सुन रहे हैं वो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आप सब सानंद में पांडाल में मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता। और कितनी खुशी की बात है, अभी अभी सानंद से दानी और भामाशाहों के नाम सुनकर हमारे प्रवीण भाई सिंह छाप तंबाकू वाले पटेल, स्वर्गीय पटेल छोटालाल आशाराम, स्वर्गीय पटेल नाथीबेन छोटालाल आपके सुपुत्र हैं, आपने अभी अभी कथा से प्रेरित होकर के, पहले तो 51,000 रुपए अर्पित कर रहे थे, फिर ऐसा लगा कि नहीं, जब भगवान ने हमको दिया है तो हम कंजूसी क्यों करें, तो 1,11,111 रुपए आपकी ओर से कथा में अर्पित किए जा रहे हैं। और 31 साल पहले जब गुरुदेव यहाँ पधारे थे तो आपके पिताजी लोगों ने बहुत सहयोग किया था, अभी अभी मुझे बताया, बहुत बहुत स्वागत और शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना भाव और प्यार से। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम। राम जन्म से पहले आई हम सब लोग, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा हरि बोल, हरे रामा राम 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 सीता राम राम राम।
अवधपुरी रघुकुल मनीरा अवधपुरी रघु। बहुत प्यारी नगरी है श्री अयोध्या। महाराज दशरथ वहां के राजा हैं। तीन रानियां हैं महाराज को, कौशल्यादि रानी प्रिय सब आचरण पुनीत। प्रजा आज्ञा पालक है, कोई कमी नहीं महाराज को। बस बस माता बस ही जाओ बे। कृष्ण जन्म थी जाए पछी तो महाराज को कोई कमी नहीं, हर सुख महाराज के जीवन में। लेकिन मानव जीवन है ना, कुछ न कुछ कमियां रह जाती। हर सुख होते हुए भी महाराज को संतान नहीं थी, इसलिए आज जब पुत्र की कमी बहुत सताई है तो गुरुदेव के आश्रम पर गए। गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। महाराज वशिष्ठ के चरणों में जाकर रोने लगे। बाबा चौथापन आ गया, क्या कौशल्या की गोद सुनी रह जाएगी? महाराज क्या मुझे संतान न होगी? क्या मेरी गादी मेरे जाने के बाद सुनी रह जाएगी? कब होगी संतान? मेरे भवन की दीवारें मुझे पूछती है राजन, कब कोई बालक मुझे छू कर चलना सीखेगा? बहुत रोने लगे। और ध्यान देना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, ये शास्त्र सम्मत बात, बहुत ध्यान देना। मानो उपदेश दिया रामचरितमानस ने हम सबको कि जीवन में कभी भी कोई कमी लगे ना, जीवन में कोई दुख आए तो दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है ठाकुर के दरबार में जाकर हाथ फैला लो, देने वाला वही है। क्योंकि दुनिया क्या देगी, हाँ देने वाला तो ईश्वर है। लोग माध्यम हो जाते हैं, बाकी देने वाला ईश्वर ही है। या तो संतों के द्वार पर जाओ, सदगुरुओं के द्वार पर जाओ, और या तो एकांत में बैठ कर रो लो, प्रभु का स्मरण कर लो। दुनिया के सामने भीख मांगने से अच्छा है ईश्वर को मांगा जाए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और गुरुदेव ने पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया है। यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ, प्रसाद का चरु तीनों माताओं को दिया, और समय अनुसार धीरे 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 भगवान मां के गर्भ में अपना तेज प्रस्थापित कर दिए हैं। और इंतजार करते करते चैत्र का महीना आया, और जब राम नवमी तिथि आई है, अह बाबा तुलसी की कलम भी मानो थिरकने लगी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास शुकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, मध्य दिवस अति शीत नघामा,
पंचमी तिथि चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त रामनवमी तिथि मंगलवार का दिन अभिजीत मुहूर्त योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु चर हर सुजुत राम जन्म सुखमूल। हर तरह से परिस्थितियां अनुकूल हो गईं, परमात्मा के आने का समय हुआ। देवता लोग विमान पर बैठे अयोध्या की परिक्रमा लगाते लगाते प्रस्थान किए हैं और उसी समय बाबा तुलसी कहते हैं सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावर राम चंद्र की अयोध्या राम लला की। दोपहर मध्य दिवस में परमात्मा का चार भुजा रूप में प्रागट्य हो गया। बोली चतुर्भुज नारायण भगवान की और माँ कौशल्या ने भगवान की भावपूर्ण स्तुति गाई। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित हरि बोल। श्याम निज आयुध बुद्ध तारी सब गाओ समझते हुए प्यार से। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु कराज प्रकट राम जय राम जय राम। हाँ श्री राम जय।
जय राम 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 बोलिए उद्यानाथ भगवान की सरजू मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। भगवान राम का प्रागट्य हुआ, अयोध्या में खुशहाली आई और नामकरण किया गया। अनेकानेक लीला करते हुए भगवान अयोध्या में फिर जनकपुर पधारे, धनुष भंग करके सीता से विवाह करके अयोध्या लौटे और तब संतों और दुष्टों पर भी कृपा करने के लिए भगवान वन का बहाना लेकर 14 वर्ष वनवासी हुए और वहां ऋषियों को दर्शन देते हुए रावण इत्यादि असुरों का नाश करके भगवान 14 वर्ष के बाद लौटे हैं। अयोध्या में राम राज्य हुआ, दुनिया को राम राज्य मिला और समय अनुसार भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र कुश को गद्दी देकर स्वधाम वापस चले गए और इस तरह से कुश का वंश आगे बढ़ा और अंत में सुमित नाम के राजा के साथ रघुवंश भी पूरा हुआ। बाद में निमि महाराज का वंश वर्णन किया। इक्ष्वाकु महाराज के 3 पुत्र थे, बिकुक्षी, निमि और दंडक। दंडक का वंश आगे नहीं बढ़ पाया था और बिकुक्षी महाराज का वंश मैंने बताया। निमि महाराज का वंश वर्णन किया जिसमें माता सीता आई हैं। इसमें से भी बड़े बड़े सूरवीर और प्रतापी राजा हुए, इनकी कथा भी सुनाई। और अब चंद्रवंश का वर्णन है जिसमें कन्हैया आने वाले। अथातो श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन। बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्यारा वंश है चंद्रवंश। भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के ही पुत्र हुए चंद्र, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए आयु और आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष महाराज के पुत्र हुए ययाति और ययाति महाराज के ही पुत्र हुए यदु और यदु महाराज के वंश में ही आगे चल करके वसुदेव नाम के राजा हुए जिनकी 7 पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना इत्यादि, ये देवकी लिखों के लेकर के 7 पत्नियां थी। देवकी मैया सबसे छोटी हैं और रोहिणी माता सबसे बड़ी हैं। रोहिणी माता का जो पुत्र है वह भी देवकी माता का ही है, ध्यान देना। देवकी मैया को जब 7 पुत्र हो गए, 6 पुत्रों के बाद 7वें पुत्र की बारी और वही 7वां पुत्र रोहिणी माता के गर्भ से आया, तो देवकी मैया का भी पुत्र है और रोहिणी माता का भी पुत्र है, संकर्षण के माध्यम से प्रस्थापित किया गया था। 8वें संतान के रूप में ही भगवान नारायण पधारे, कृष्ण का रूप लेकर आए तो हैं मथुरा में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में और फिर 11 वर्ष 52 दिन भगवान ने ब्रज की लीला की। 14 वर्ष मथुरा की लीला की और 125 वर्ष इस तरह से भगवान धरती पर रह करके 100 वर्ष द्वारिका लीला की और इस तरह से भगवान अपने स्वधाम वापस गए। 9वें स्कंद को यहां विराम किया और सुखदेव जी मौन हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या हुआ, बोलिए ना। सुखदेव ने कहा, सुना तो दिया, मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में उत्सव मना, 11 वर्ष 52 दिन वहां रहा, 14 वर्ष मथुरा में रहा, 100 वर्ष द्वारिका रहा, चला गया, यही तो कथा है कृष्ण की। परीक्षित महाराज ने कहा, वाह महाराज, जिसकी कथा सुनने के लिए हम लोग 3 बजे से टकटकी लगाकर बैठे हैं उनकी कथा आप 2 मिनट में चटपट कर दिए। नहीं नहीं महाराज, हमको जरा विस्तार से सुनाइए, जो हमारे प्राण बल्लभ है हम उनका इतने संक्षेप में कथा कैसे सुन सकते हैं। महाराज विस्तार से बताइए, आपने अन्य कथाएं बड़े विस्तार से बताई, मनवंतरों की लीला आपने बड़े विस्तार से सुनाई और उसके पहले मनु महाराज के वंश का वर्णन आपने बड़े विस्तार से बताया और हमारे कृष्ण को ही इतने संक्षेप में क्यों। सुखदेव ने कहा कि भाई
आखिर इनसे तुम्हारा रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? और कथा पर तो तुमने इतना जोर नहीं दिया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज संबंध ही संबंध है। पिता मह में समरे मरंजय देवव्रताद्याथिरतिस्तिमिंगिल दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत् प्लवाः। मेरे बाबाओं के पास क्या था महाराज? पांच भाई थे, सेना की छोटी सी टुकड़ी थी। बिड़ गए जाकर कौरवों से, कौरव सैन्य सागर जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, लेकिन जिन गोविंद की कृपा से मेरे बाबाओं ने उस कौरव रूपी सैन्य सागर को पार किया, उनकी कथा संक्षेप में कैसे सुनो महाराज, कृपा करके विस्तार से बताइए। सुखदेव ने कहा कि ये तो तुम्हारे बाबाओं का संबंध है ना, मैं पर्सनल तुम्हारा संबंध पूछ रहा हूं। तब बताया परीक्षित ने, ये जो परीक्षित आपके सामने बैठा है ना महाराज, ये केवल उनकी ही कृपा। द्रौण्यष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवाना जुगोपकुक्षिं गतात चक्रो मातुश्यमेय शरणं गताय। जब अश्वत्थामा ने मेरी माँ के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तब मेरी माता भगवान कृष्ण की शरण में गई, और तब वही कृष्ण ने माँ के उदर में प्रवेश करके मुझ जैसे बालक की रक्षा की, मेरे प्राण बचाए। आज ये परीक्षित उन्हीं की कृपा की देन है। मैं भला उनकी कथा संक्षिप्त में कैसे सुनूं महाराज, उनकी तो जितनी विस्तार से सुनाए उतनी कम है। सुखदेव की आंख भराए, भाव के अश्रु भराए। राजन, चार दिन हो गए सुनते सुनते, तुमने जलपान भी नहीं किया है। हम तो साधु महात्मा हैं, कुछ न भी खाएं तो चल जाता है। तुम तो एक राजा, थोड़ा जलपान कर लो, बाद में मैं तुम्हें सुनाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज ऐसा मत बोलिए। जिस भूख और प्यास के कारण मैंने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी, एक संत का अपराध कर दिया, अब इस शरीर को अन्न और जल क्या देना। मैंने ये तो नहीं कहा है कि अन्न जल का त्याग कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा है कि जब तक रहूंगा तब तक इस शरीर को अन्न और जल नहीं देना है, यही इस शरीर का प्रायश्चित होगा। मैंने संत का अपराध किया। और फिर महाराज, जब आपके मुख से अमृत बरस रहा है और अमृत पीने को मिल रहा है, तो फिर भला पानी पीने की जरूरत ही क्या है महाराज, आप तो अमृत ही पिलाइए। हाँ, सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। श्रोता मैंने बहुत देखा राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। जब धरती पर पाप बहुत बढ़ने लगा, चारों ओर अनीति और अत्याचार होने लगे, धरती से पाप का बोझ सहन न हुआ, धरती देवताओं की शरण में गई। देवता लोग ब्रह्मा जी से फरियाद किए और सब ने मिलकर परमात्मा को पुकारा, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आवाज दिया, गिरम समाधौ गगने समीरिता निशम्य बेधा स्त्रीदशानुवाच गाम पौरुषिं मे श्रृणुतामरा पुरा विधीयतामासु तथैव माचिरम। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे ऋषियों, डरो मत, मैं बहुत जल्द आप लोगों की खातिर धरती पर आ रहा हूं। मथुरा के बड़े अच्छे धर्मपरायण राजा होंगे वसुदेव, उनके यहां उनकी सबसे छोटी पत्नी के आठवें संतान के रूप में मैं आऊंगा, भूभार हरण करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा और ऋषि महात्माओं का हित करूंगा। देवता लोगों को प्रसन्नता हुई, और इधर मथुरा के एक बड़े ही धर्मपरायण राजा थे उग्रसेन महाराज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है,
भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे यहाँ किसी गलत आत्मा को जन्म दे देते हैं। हमारी साधना कितनी परिपक्व है वह परीक्षा होती है प्रभु के द्वारा। उग्रसेन महाराज का ही पुत्र है कंस, और ये कंस ने कुसंगति में पढ़कर बहुत गलत गलत लोगों से अपनी दोस्ती कर ली, बहुत सारे असुरों को अपने घर में लाया पिता की मर्जी के खिलाफ। केशी, व्योमासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, ऐसे ऐसे कई कई असुर उसके मित्र हो गए। प्रजा पर अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा। एक दिन जब पिता ने डांट लगाई तो पिता को ही गद्दी से उतार कर जबरदस्ती राजा बन बैठा, और राजा बनकर प्रजा में अपनी छवि सुधारने के लिए एक अच्छा काम किया। अपनी चचेरी बहन देवकी का अपने हाथों कन्यादान किया, वसुदेव महाराज के साथ ब्याह करवाया, और दुनिया को दिखाने के लिए ही विदाई के समय कि देखो मैं राजा ही नहीं हूं, समय पड़ने पर एक सारथी भी बन सकता हूं, रथ का सारथी बनकर वागडोर हाथ में लेकर अपनी बहन को छोड़ने चला दुनिया को दिखाने के लिए। परमात्मा को अच्छा नहीं लगा कि जिस मां के गर्भ से मैं आने वाला हूं उस मेरी मैया की बागडोर इस दुष्ट के हाथ में। भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। रे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार से तू लेकर जा रहा है ना, इसी बहन का ही आठवां गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनकर के कंस अवांक रह गया। फिर कंस ने सोचा, ये बहन रहेगी तब तो तू मारेगा ना, जड़ ही खत्म कर देता हूं। और खड्ग लेकर के जिस बहन को अपने हाथों के द्वारा कन्यादान किया था उस बहन का काल बनकर मारने चला। लोग कितने अवसरवादी होते हैं, हाँ। लेकिन तब वसुदेव महाराज ने रोका, कंस ठहरो, किसको किसको मारोगे, मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। कंस आया है सो जाएगा, तुमने कितना जिया है कंस ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन कैसे दिए हो ये पूरी दुनिया देखेगी। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। कंस, जिस मौत, जिस मां के गर्भ से हम जन्म लेते हैं ना, मौत भी वहीं से आती है और पूरी जिंदगी हमारा पीछा करती है। जैसे ही मौका पड़ता है झपट्टा मारती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। मौत से बच नहीं पाओगे कंस। स्वभाव को दुनिया याद करती है, अच्छे स्वभाव से जियो। तुम्हें देवकी के गर्भ से खतरा है ना, मैं वचन देता हूं कि जब तक आठवां पुत्र नहीं हो जाता है हम तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे और सारे पुत्र लाकर हम तुम्हें देंगे। कंस ने समझ लिया कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं, कारागृह में लाकर कैद कर दिया और बड़ी बेरहमी से देवकी मैया के छह पुत्रों को मार डाला। सातवें की बारी में शेषनाग दी आए हैं, भगवान योग माया के द्वारा संकर्षण कराकर रोहिणी माता के गर्भ में भिजवा दिया। और आठवें की जब बारी आई, समय बीता और भगवान ने अपना तेज मैया के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। धीरे 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 समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीत रहा है कंस के हृदय की धड़कन और बढ़ रही। देवताओं ने इस बीच भगवान की गर्भ स्तुति गाई है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बड़े भाव से देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति गाई, भगवान को वंदन किया और प्रस्थान किए। धीरे 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 इंतजार करते करते वह समय करीब आने लगा। आषाढ़ का महीना, बादल लगे, गर्जना कर रहे हैं बादल और मूसलाधार बारिश हो रही है।
आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िताकारम विस्तार नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी हेरा दे प्यारी मैं बलिहारी गोपुलवाओ बिरधारी मारा गोपुलवाओ बिरधारी मारा गोपुलवाओ दादुर रव रव कत डहकत मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत नातक कोकिल कंठ अब कड़र कड़र नम हो कड़ा का गिरिवर पर से शिखर गर तब रुम झुम बरसत बर खा गरर गरर घन भोर गर दे दी गरर गरर गर दे दी गरर गरर घन धीरे 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 वर्षा ऋतु गई और आया भादो का महीना। अरे कन्हैया को आने तो दो भाई आराम से। हाँ जैसे ही जैसे समय करीब आया अष्टमी तिथि के दिन रात्रि ठीक 12 बजे चार भुजा में परमात्मा का प्राकट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। और ऐसी कथा मैं आपको संक्षेप में बताऊं, वसुदेव महाराज टोपले में रख करके भगवान को नंद बाबा के यहाँ पहुंचाते हैं और वहां से कन्या को ला करके कंस को दिया है। कंस मारने गया तब आकाशवाणी करते हुए वह कन्या आकाश में उड़ गई और यहाँ गोकुल में अब उत्सव की तैयारी। भोर सुबह नंद की बहन सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा को बताया, भैया बधाई हो। कहा किस बात की? बोरे लाला भयो है भैया। और नंद बाबा ने लाला के जन्म का समाचार सुना है। आनंदित हुए, यमुना में जाकर के 108 डुबकी लगाई है और फिर तो पूरा गोकुल महाराज के साथ आनंदित और उत्सव मनाना शुरू किया। नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, आनंद घरा नंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो। अरे यशोदा ने लाला जायो, यशोदा ने लाला जायो, मैया यशोदा ने लाला जायो, आनंद घर आनंद भयो। अति दिनी घोड़ा दिनी हाथी दिनी घोड़ा दिनी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हाथी घोड़ा पाल की, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। नंद घेरा आनंद भयो, नंद घेरा आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, जय बोलो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय बोलो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय बोलो नंद लाल की। अय यशोदा ने लाला जायो, आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, बधाई हो।
नंद भयो, हे नंद गिरानंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, नंद गिरानंद भयो, नंद गिरानंद भयो, नंद गिरानंद भयो, बोले नंद के लाला की। व्यवस्था को खराब न करें कृपया, बच्चे लोग सब सब मंच से नीचे। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे, हाँ हाँ तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो बजाते हुए प्यार से। आहा तोरे अंग नारी यशोदा तोरे अंग ना, तोरे अंग ना यशोदा तोरे अंग ना, तोरे अंग नारी मैया तोरे अंग ना, तोरे अंग ना जय हो। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बधाई हो हो। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, ब्राह्मण नंद बाबा जो दान करत है, नंद बाबा जो दान करत है, अरे गोपीन को दिए लहंगा फरिया रतन जड़ित कंगना, ओ बाजे बाजे रे जय हो, ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बधाई हो। हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए
लाला की। चलो देखी आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखी आवे रहो ब्रज राज के कुल का उजाला हुआ, ब्रज राज के कुल का उजाला हुआ। चलो देखी आवे नंद घर लाला हुआ, ब्रज राज के कुल का उजाला हुआ। पहुंचाने वाला हुआ, अरे वो चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, रहो चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। मैया गर्दन में डाल करे जय जय गोपाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल नाच दे दे करताल। अरे वो आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, बधाई हो आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, अरे वो चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। बोलिए नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री राधे राधे। आज ना कृष्ण जन्म प्रागट्य प्रसंगे श्री प्रियदीप सिंह पुत्र श्री आसेन सिंह जेमनो आज પોતાનો જન્મદિવસ છે, બર્થડે છે, આપણે એમને ખૂબ ખૂબ વધાઈ આપીએ કે આસેનસિંહ આપ ઘણો જીઓ। આસેન્દ્રસિંહના પુત્ર આસેન્દ્રના આસેન્દ્રસિંહના પુત્ર શ્રી પ્રિયદીપસિંહ બરાબર બિંદિયાબા પ્રદીપસિંહ નાના છે એમના અને ઇન્દુબા નાની છે। સરસ્વતી સોસાયટી નંબર 10 જે મુખ્ય કથાના સૂત્ર આધાર છે। આજના કૃષ્ણ જન્મ પ્રાગટ્ય પ્રસંગે જે ભાગ્યશાળી આત્માઓ આરતી અને પૂજા માટે ભાગીદાર બન્યા છે ભાગ્યશાળી બન્યા છે એના મંગલ નામ પ્રગટ કરું છું। એક ચેન તૂટ્યો છે, કોઈને મળે સોનાનો તો મોકલી આપજો। અને એક કંઠી સોનાની મેં આપને કાલે સવારમાં જ કહ્યું હતું, આજે જ તે કે આપના સોના ચાંદીના દાગીનાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખજો, આપના બાળકોનું ધ્યાન રાખજો। કેક આપી છે જેને, એનું નામ છે અભિષેકભાઈ। આજના મંગલ આરતીના યજમાન છે, જેમને વિનંતી કરીએ જેના નામ બોલાય તે વ્યાસપીઠ ઉપર પધારે। શ્રી અલકાબેન આર પટેલ, શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલ, શ્રી મનુભાઈ ઝાલા, સરસ્વતી મહિલા મંડળ, શ્રી કનુભા સિસોદિયા, શ્રી રમાબેન પટેલ, શ્રી જયંતિભાઈ લોખંડવાળા, શ્રી પ્રેમજીભાઈ, શ્રી જીતુભાઈ પંડિત, શ્રી જનુભાઈ રાવલ, શ્રી નવલસિંહ ચૌહાણ, શ્રી સંજયભાઈ, શ્રી મોહનસિંહ જાડેજા, શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ મોરિયા, શ્રી જટુભાઈ પટેલ, આ જેના નામ બોલાયા એને નંબર વિનંતી કે આપ વ્યાસપીઠ પર આરતી પૂજા માટે પધારો। સાણંદની ધર્મપ્રેમી જનતાને જણાવવાનું કે ભગવાનની આરતી થતી હોય ત્યારે મર્યાદા જાળવવી જોઈએ। ભાગવત કથાના નિયમ પ્રમાણે આપ શાંતિથી બેસી જાઓ, આપ શાંતિથી બેસી જાઓ, આપ શાંતિથી બેસી જાઓ।
सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती माँ तो यशोदा करत आरती, माँ तो यशोदा करत आरती गिरधर लाल गोपालन के, ओ गिरधर लाल गोपालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, ब्रज जन सब मंगल गावत कृष्ण कन्हैया गोपालन के, आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मालन के, ओ ऊपर तुलसी मालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो तीन माल की और छटारू, मोतीन माल की और छटारू, मोतीन माल की और छटारू, माल की और छटारू, मुख पर लाल गुलालन की, आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण कन्हैया लालन के, ओ कृष्ण कन्हैया लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन के, मेरे लालन के, मेरे लालन के, मेरे लालन के, कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, परनो रघुबर विमल जसे जो दायक बल जाय, बुद्धि दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद विद्या देहु होई हरो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर देव लोक जा, राम दूत यतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुतना, महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति केसरी, कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे कांधे भुज गले ऊंचा,
सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता स्वरूप धरि सिरहिं दिखावा विगत रूप धरि लखन भीम रूप नर असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाहे श्री रघुवीर हर सिर भगवति के हे बहुत बढ़ारी तुम प्रेम रतहि सवारे सहस बदन तुम्हरो यश गावे असकहि प्रेम तुम संपादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित रघुवीर जिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कह सके उपकार सुग्रीव कीन्हा राम विराज राज मंत्र विभीषण माला लंकेश्वर वैष्णव शास्त्र जो जन पर भानु रीलो काय मधुर पर मूत्रिका मेल मुख माही जल निहारी गए अचल जनाहि दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रात मन देते राम दुआरे तुमन खवारे हो तुम्हार जा दिन पैसा सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक बाहु को आपन तेज समारोह आप तीनों लोक हाथ में काटे हो पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना हाँ सही रोग हरे सब वीरा जब निरंतर हनुमत हनुमान छुड़ावे मन तुम वचन ध्यान झुलावे सब राम जब श्री राजा जी के काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे सूर्य निज जीवन फल पाए चारो युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर कंकर राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निज के दाता असुर वीर दान के राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति मेरे तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुगुण सरा अंतकाल नगुबर पुर जाई जा जन्म हरि भक्ता और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख संकट कटई मिटई सब वीरा जो सुख रहे हनुमत बलई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख जो या पढ़े हनुमान चालीसा।